आपको लिए चलते हैं घोटकी, जहां पर इस वक्त जलसे से खिताब कर रहे हैं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी। नामदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब, गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल साहब, आज की इस पुरवकार नशिस्त के हमारे मेज़बान सरदार अली गौर खान साहब महर, जीडीए की क़यादत जो स्टेज पर तशरीफ़ फरमाए, हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब पीटीआई अरशदात साहब, और मैं देख रहा हूँ पिंडाल में जनाब वज़ीर आज़म सिंध के नुमाया चेहरे, सियासी घराने, सियासी वजूद रखने वाली शख्सियात आज स्टेज पर भी तशरीफ़ फरमा हैं। मैं ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब को देख रहा हूँ, मैं जनाब मुर्तज़ा जतोई साहब को देख रहा हूँ, मैं जनाब अरबाब ग़ुलाम रहीम साहब को देख रहा हूँ, मैं अमीर बख्श भुट्टो साहब को देख रहा हूँ, मैं डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब को देख रहा हूँ, और बेपनाह है किसका किसका नाम लूँ। यहाँ आज सरदार साहब आपने एक नुमाया और मुनफरिद इजलास मुनक्किद किया, और आज इस इजलास का फ़ायदा उठाते हुए मैं चंद गुजारिशात सिंध की जो ये सियासी सूझबूझ रखने वाली क्रीम मौजूद है उनकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। जनाबे वाला, अभी अली गौर खान साहब कह रहे थे कि आप सिंध के आखिरी ज़िले में तशरीफ़ लाए हैं। मेरी नज़र में ये सिंध का आखिरी नहीं, मेरी नज़र में ये सिंध का पहला ज़िला है। डिपेंड करता है कि आप किस नज़र से देखें। अगर आप पंजाब की तरफ से सिंध दाखिल हो रहे हैं तो घोटकी पहला ज़िला है जो आप में आपको पंजाब और सिंध से जोड़ता है। और आपको याद होगा इमरान खान साहब, आज से 9 साल पहले जब मैंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत का फैसला किया तो मैंने समझकर इंतखाब किया घोटकी में जलसा करने का। घोटकी में जलसा, घोटकी वालों, यहां इस जिले के नुमाया हजरात तशरीफ फरमा हैं, मेंबरान असेंबली भी बैठे हैं, शरियार शर भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। घोटकी का मैंने इंतखाब इसलिए किया कि पाकिस्तान के लोगों को एक पैगाम देना था कि अल्लाह के फजलो करम से इमरान खान एक ऐसी जमात की बुनियाद रख रहे हैं जिसकी सोच वफाक की है और जो वफाक की अलामत बनेगी। और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि जो वफाक की अलामत थे वो आज वफाक की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। हालात की सितम जरीफी देखिए, जो वफाक के नुमाइंदा थे वो आज उनका वजूद आपको पंजाब में दिखाई नहीं दे रहा, आपके पड़ोस में है रहीम यार खान, और आप यहां से शुरू होए और चले जाएं अटक रावलपिंडी तक। जो वफाक की अलामत थे आज खैबर पख्तूनख्वा में उनका सियासी वजूद दिखाई नहीं दे रहा। जो वफाक की अलामत थे आज बलोचिस्तान में उनका वजूद दिखाई नहीं दे रहा। जो वफाक की अलामत थे आज सिंध के दारुल खिलाफा कराची में मुझे उनका सियासी वजूद दिखाई नहीं दे रहा। वहां भी आज कराची में अगर कोई अवामी नुमाइंदगी जमातें कर रही हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और एनक्यूएम पाकिस्तान है जो आज कराची की नुमाइंदगी कर रही है, और पीपल्स पार्टी आपको कराची में दिखाई नहीं दे रही। चुनाचे सिंध के वासियों, पीपल्स पार्टी
यकीनन जो बहुत बड़ी पार्टी थी वो सुकड़कर इंटीरियर सिंध तक महदूद हो गई है। वजूहात आप मुझसे ज्यादा समझते हैं, उसकी तनज़ली की वजूहात आप मुझसे बेहतर समझते हैं, तफसीलात में जाने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपसे यह पूछना चाहता हूं, और आप मुझसे बेहतर जानते हैं जो सिंध में जिंदगी बसर कर रहे हैं, जो सिंध में कारोबार कर रहे हैं, जो सिंध में शहरों में और सिंध के देहातों में रहते हैं, 10 साल से 2008 से लेकर 2018 तक मुसलसल और आज भी सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है या नहीं, बताइए है कि नहीं है? घबराए नहीं, सरदार साहब कुछ नहीं कहेंगे। मैं सवाल करने आया हूं कि आज 10 साल से मुसलसल सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है या नहीं है? है। इन 10 सालों में सिंधियों, आप अपने गिरबान में झांक कर देखो, क्या आपके हालात बेहतर हुए हैं या पहले से अबतर हुए हैं? आपकी जिंदगियों में खुशहाली आई है या आप बदहाली का शिकार हैं? अगर मुसलसल एतमाद के बावजूद, मुसलसल तीर पे मोहर लगाने के बावजूद अगर आज आपको अपना मुस्तकबिल तारीख दिखाई देता है, तो फिर वक्त आ गया है कि सिंध का सियासी मुफक्किर, सिंध का दानिश्वर, सिंध का पढ़ा लिखा नौजवान, सिंध की बेटी फैसला करे कि उन्होंने अपना मुस्तकबिल उन्हीं हाथों में देना है या एक नए रास्ते का इंतखाब करना है। आज ये फैसले का लम्हा है। मैंने फैसला 9 साल पहले कर लिया, वजारत मतमा नजर नहीं थी, कौमी असेंबली की सीट नई चीज नहीं थी, पहले भी रहे, नस्ल दर नस्ल रहे। फैसला था इमरान खान का साथ देकर मुल्क में तब्दीली लानी है और कायम करना है एक नया पाकिस्तान। मुझे याद है जनाब चेयरमैन, वजीर आजम, जब मैंने यह फैसला किया तो बहुत से सियासी पंडितों ने कहा यह सियासी खुदकुशी कर ली है आपने, तरीके इंसाफ का तो कोई सियासी वजूद ही नहीं है, इसकी तो कोई पहचान ही नहीं है। देहात में, चंद शहरों में तो उसका वजूद होगा, देहात में तो उसका कोई वजूद पहचान ही नहीं है, इसके झंडा मुतारिफ ही नहीं है, इसके निशान से कोई वाकिफ ही नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सियासी निगाह देख रही थी कि तब्दीली इंशाल्लाह आनी है, और आज पाकिस्तान देख रहा है कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। अब वो हवा जो खैबर पख्तूनख्वा से चली और वो पंजाब में दाखिल हुई, किसके सियासी ख्याल में था? जो तज्जिया निगार रोज शाम को टेलीविजन पर बैठकर तज्जिये पेश करते हैं, उनका ये एनालिसिस था कि कुछ भी हो जाए, अगर इमरान खान वफाक में हुकूमत बनाने में कामयाब भी हो जाते हैं, पंजाब में तो फिर भी हुकूमत नून लीग की रहेगी। 40 साल से वो मुसल्लत थे, करोड़ों रुपए के फंड लिए, अफसर शाही में उनका एक लंबा तसलसल था, जकड़ा हुआ था पंजाब, एक मुट्ठी की उनकी मानिंद उनके हाथ में, गिरफ्त में था पंजाब। सवाल ही पैदा नहीं होता कि तहरीक इंसाफ नून को उखाड़ फेंके। सिंध के दोस्तों, क्या पंजाब में आपने नून को उखड़ते देखा?
کیا خیبر پختونخوا جس کی سیاسی علامت اے این پی ہوا کرتی تھی، جس کی سیاسی علامت مولانا فضل الرحمان کی جے یو آئی فضل الرحمان ہوا کرتا تھا، کیا آج خیبر پختونخوا میں ان کا وجود آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ اگر خیبر پختونخوا کی عوام اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے تبدیلی لا سکتے ہیں اور بلے پر مہر لگا سکتے ہیں، اگر رحیم یار خان سے لے کر اٹک تک کی عوام اپنا فیصلہ سنا سکتے ہیں، تو کیا سندھ کے لوگوں میں سیاسی بصیرت نہیں ہے؟ یقیناً ہے، یقیناً ہے۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں جناب والا کیونکہ میں پنجاب سے میرا تعلق ہے لیکن سندھ کے ساتھ میرا رشتہ ہے، اور میرا سندھ کا رشتہ یہاں گواہ بیٹھے ہیں، نسل در نسل گواہ بیٹھے ہیں کہ سندھ کے ساتھ میرا رشتہ 800 سال کا ہے۔ خسرو بختیار صاحب اس کی گواہی دیں گے، رحیم یار خان کے ہمارے منتخب ممبر بیٹھے ہیں یہاں، یہ بتا سکتے ہیں کہ سندھ کے ساتھ، حاجی خان بتا سکتے ہیں سندھ کے ساتھ میرا رشتہ کیا ہے، 800 سال کا رشتہ ہے۔ اور اس رشتے کو، اور اس رشتے کو، اس سیاسی سفر کو، تحریک انصاف کے جھنڈے کو، نشان کو جانتے ہوئے کہ پیپلز پارٹی بڑی مضبوط ہے، انتظامیہ ان کے نیچے ہے، کروڑوں کے فنڈ ان کے پاس ہیں، دبدبا، دباؤ اور ہاتھ مروڑنا اور لوگوں کو خریدنا ان سے کون سیکھ سکتا ہے، وہ مہارت رکھتے ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا 2013 میں دو حلقوں میں آیا اور سندھ کے دو قومی اسمبلی کے حلقوں میں جناب وزیر اعظم اللہ کا نام لے کر الیکشن لڑا، پیپلز پارٹی کا مقابلہ کیا۔ ارباب غلام رحیم صاحب تشریف فرما ہیں اور وہ بتا سکتے ہیں کہ کس طرح مل کر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے تھر پارکر میں ان قوتوں کا مقابلہ کرنا ہے جو اپنے آپ کو بہت مضبوط سمجھتی ہیں۔ پولنگ اسٹیشنوں کو آگ لگانی پڑی، نتائج تبدیل کرنے پڑے، ہمارے حوصلے نہیں ہارے، 2018 میں پھر گئے اور میں آج برملا سندھ کی دھرتی پر سندھ کے بیٹوں کا اور سندھ کی بیٹیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ 2018 میں آج سے 7 مہینے پہلے جب میں پھر سندھ گیا تو 2.25 لاکھ سندھیوں نے بلے پر مہر لگا کر میرا ساتھ دیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ کیا تھا؟ وہ ایک کرن تھی، وہ ایک خواہش تھی، وہ ایک ضرورت تھی جو سندھ کے لوگ محسوس کر رہے تھے کہ ہاں ہم چاہتے ہیں، ہم تبدیلی چاہتے ہیں، ہم تنگ ہیں لیکن ہمیں سہارا چاہیے۔ اگر ذوالفقار مرزا صاحب آپ نے بدین میں مقابلہ کیا، قوتوں کا مقابلہ کیا، کیا بدین کے لوگوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا؟ دیا۔ آج وہ بدین جو پیپلز پارٹی کا قلعہ کہلاتا تھا، آج وہاں سے ایم ایل اے محترمہ فہمیدہ مرزا صاحبہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے آج لاڑکانہ میں عباسی صاحب کے بھتیجے ایم پی اے ہیں کہ نہیں ہیں؟ معظم ہے نا ایم پی اے، کیا ہے یہ؟ یہ ظاہر کرتا ہے کہ سندھ کے لوگ ذہن شعور رکھتے ہیں، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکھی۔ آج جی ڈی اے کی قیادت تشریف فرما ہے، وقت آ گیا ہے فیصلے کا، وقت آ گیا ہے کہ ہم نے آگے کس طرح بڑھنا ہے۔ اور آج اگر آپ نے صحیح منصوبہ بندی کی، میں سمجھتا ہوں اور میں آج پیشن گوئی کر کے جا رہا ہوں، گھوٹکی میں دوبارہ پیشن گوئی کر کے جا رہا ہوں، میری سیاسی آنکھ سندھ میں ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھ رہی ہے انشاءاللہ۔ گھوٹکی کے لوگوں، کیا اس تبدیلی کے لیے تیار ہو؟ نہیں، یہ نہیں، ڈرے ہوئے نہیں، میرے گال کرو تو مردہ لی گال کرو، کیا وہ تبدیلی واسطے تیار ہو؟
तो फिर कमर बांधो, फैसला करो, मंसूबा बंदी करो, हिकमत अमली मुरतब करो और इमरान खान का साथ दो, क्योंकि आज सिंध के लोगों को यह बावर हो गया है कि पीपल्स पार्टी वफाक की हुकूमत बनाने की अहलियत खो चुकी है। आज सिंध के लोगों को अगर वफाक में किसी के साथ सियासी बंधन बांधना है तो वह एक जमात है जो उफक पर दिखाई दे रही है और उस जमात का नाम है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। तो आओ मिलकर एक हिकमत अमली मुरतब करें, आओ मिलकर एक मंसूबा बंदी तय करें। बलदियाती इंतखाबात सामने आ रहे हैं, सिंध के बलदियाती इंतखाबात आ रहे हैं और 2023 के जनरल इलेक्शन आ रहे हैं। 2018 में हम सही मंसूबा बंदी नहीं कर सके, हम सही फैसले नहीं कर सके, हम सही लोगों का इंतखाब और चुनाव नहीं कर सके, हम सही हिकमत अमली नहीं अपना सके, लेकिन बेपनाह वोट था जो आपकी झोली में पड़ सकता था, लेकिन वो नहीं हो सका। माजी की गलतियों से हमने अपने मुस्तकबिल को नहीं गंवाना और आज उसकी मंसूबाबंदी करनी है। और अगर आज आपने मंसूबाबंदी दुरुस्त कर ली तो इंशाल्लाह, मैं ये कहने की जसारत कर रहा हूं, इंशाल्लाह, और मैं किसी मिल ओनर का बेटा भी नहीं हूं और मैं कोई बड़ा पंजाब का जिम्मेदार भी नहीं हूं, मैं एक मुल्तान के फकीर का बेटा हूं, दरवेश का बेटा हूं। और आज उस आस्ताने को गवाह बनाकर कह रहा हूं कि मेरी निगाह देख रही है कि इंशाल्लाह अगले जनरल इलेक्शन में सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके हलीफों की हुकूमत मेरी निगाह देख रही है। तो आओ मिलकर इमरान खान साहब का साथ दें और पाकिस्तान में एक नए पाकिस्तान की सोच मुतारिफ करें और तब्दीली की बुनियाद रखें। घोटकी से आज अगर यह सदा बुलंद होगी तो दिनों में पूरे सिंध को अपनी लपेट में ले लेगी, जिस तरह आज से चंद रोज पहले थरपारकर के शहर छाछरों में जब जंग की कैफियत और जंग के बादल मंडला रहे थे, छाछरों के थरपारकर के लोगों ने हजारों की तादाद में इमरान खान को पैगाम दिया और बरमला कहा कौन बचाएगा पाकिस्तान, तो लोगों ने कहा इमरान खान, इमरान खान। शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी घोटकी में जलसायाम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि माजी में वफाक की नुमाइंदगी करने वालों का आज मुल्क में कहीं वजूद नहीं है। जो वफाक की जमात थी वो सुकड़ कर अंदरूने सिंध तक महदूद हो गई है। शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कहा कि गुज़श्ता 10 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, सिंध के हालात गुज़श्ता 10 साल में मजीद अबतर हुए हैं।